हाँ, अब बनाए 100 रुपए वाला किलो सेब 200 रुपए का किलो सेब। अरे भाई, तू कब तक ये छोटे मोटे चूने लगाता रहेगा? और क्या करूं भाई, काम चलाने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अगर 2 नंबरी करनी है तो कोई बड़ा हाथ मार ताकि तेरा कुछ बन सके। ऐसी छोटी छोटी 2 नंबरियों में तो तेरी सारी उम्र निकल जाएगी। अरे बड़े बड़े चूने लगाने का मेरा भी बड़ा दिल करता है, लेकिन ये दुनिया वाले बड़े तेज हैं, चूना लगाने नहीं देते। अरे मेरे पास एक स्कीम है। वो क्या? तू सबसे पहले किसी अमीर और लालची इंसान का मशवरा ले के आ, बाकी तो मुझ पे छोड़ दे। चलो मशवरा ले भी लिया फिर। अरे वो जो तुझे मशवरा देगा उसमें मैं थोड़ा सा एडिशन करूंगा, फिर देखना तेरे दिन फिरते। और हाँ, जो माल आएगा वो 50-50 होगा। हाँ हाँ, टेंशन मत ले, चल चल। अच्छा ये है अमीर और लालची बंदे का दफ्तर, मैं अभी उससे मशवरा लेके आता हूँ, तू यहीं पे रुक। ठीक है। हाँ हाँ, उठा के बाहर फेंक दो उसका सामान। गरीब है तो क्या हुआ, हमने बिल्डिंग नहीं बनानी, हमने अपना प्लाजा नहीं तैयार कराना, कुछ ना देखो सामान बाहर फेंक दो। अरे साहब पहचाना? हाँ हाँ पहचान लिया, तुम तो वही है ना जिसका फल वाला ठेला है, बताओ यहाँ पे कैसे आना हुआ? अरे साहब, आपकी तरह अमीर होना चाहता हूँ, मुझे कोई सलाह तो दे। अरे अमीर होने का सिर्फ एक ही कुलिया है, दिन रात मेहनत करो ईमानदारी से, और किसी भी काम को छोटा बड़ा ना समझो, फिर तुम कामयाब हो जाओगे। ठीक है साहब, समझ गया, अब मुझे अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। अबे हाँ, क्या मशवरा दिया? साहब ने बोला है। अच्छा, अब तुम वो नहीं ये करोगे। ठीक है, समझ गया। एक हफ्ते बाद। अरे फल वाले, तुम बड़ा सूट बूट पहना हुआ है, खैर तो है, कैसे आना हुआ? अरे साहब, आपके दिए हुए मशवरे पे अमल किया है और मेरा धंधा बड़ी तेजी से ऊपर जा रहा है, और इसी खुशी में मैं आपके लिए कुछ तोहफे लेके आया हूँ। अरे इतने महंगे तोहफे, इतने ब्रांडेड और महंगे सूट तुम कैसे ले आए फल वाले? अरे साहब, आपने जो मुझे मशवरा दिया था उससे मेरा धंधा टापम टाप चलना शुरू हो गया है, तो मैंने सोचा आपके लिए छोटा सा तोहफा ले जाऊं। ठीक है साहब, बहुत शुक्रिया आपका, चलता हूं। अरे वाह यार, 2 दिन में तरक्की करना शुरू कर दी। हाँ, ये उस साहब का और आपके मशवरे का कमाल है। अरे वाह वाह, ऐसे तरक्की करते रहो। 2 हफ्ते बाद। अरे वाह फल वाले, ये आईफोन 15 प्रो मैक्स मेरे लिए, मुझे पता था तुम जरूर कामयाब होगे, इसीलिए मैंने ये मशवरा तुम्हें दिया था। शुक्रिया साहब, शुक्रिया। अरे मेरे बिजनेसमैन, तुम्हें कामयाब देख के मुझे बहुत खुशी हुई, ऐसे ही तरक्की करते रहो। ठीक है साहब, चलता हूँ। अरे ये तो फल वाला मुझसे भी आगे निकल जाएगा, लगता गलत मशवरा दे दिया मैंने इसको। 3 हफ्ते बाद। अरे साहब। अरे बिजनेसमैन, आज कैसे आना हुआ? ये क्या? वो देखे साहब, ब्रांड न्यू कार। हाँ, आपके लिए ही है। क्यों साहब, मैंने बोला था ना कि मैं आसान फरामोश नहीं हूँ। ठीक है, चलता हूँ। अरे मान गए तुम्हें, मान गए भाई। यार ये ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो ये दिनों में ही करोड़पति बनता जा रहा है? अरे सुन सुन। हाँ साहब। बहुत खुशी हुई तुम्हें कामयाब देख के, बात कुछ ऐसे है कि मैं भी तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। अरे साहब, ये कैसी बात कर दी आपने, आपको जो कुछ चाहिए मुझे बोलो, मैं आपको ला के दूंगा। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन मेरा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। ठीक है साहब, जैसे आपकी मर्जी। ये लो मेरी तरफ से 5 करोड़ का चेक, और इसे अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो। ठीक है साहब, कॉपी पेंसिल ले लें, लिखत पढ़त कर लें। अरे ये कैसी बात कर दी, मैं तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूँ, लिखत पढ़त की कोई जरूरत नहीं,
तुम जाओ। ठीक है साहब। अगले दिन। जी भाई, एक बंदा हमारे रेंट से गाड़ी लेके गया है, ना वो गाड़ी वापस करके गया है और ना वो रेंट दे के गया है, और वो गाड़ी आपके दफ्तर के बाहर खड़ी है। हैं? वो गाड़ी रेंट की थी? हाँ जी। आपका मतलूबा नंबर आपको 5 करोड़ का चूना लगा के अमीर हो चुका है, फोन बंद करके रोना शुरू करें।